बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला इक्वेशन है ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। दूसरा इक्वेशन है ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू का। इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर टू पर सबसे पहले, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85/45। फिर क्या करेंगे, इसके बाद इनको तो यहाँ जाएगा, इनको ए माइनस बी को अपनी जगह लिख देंगे, जबकि इनको लिख देंगे ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, और इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को फाइव पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, इनको फाइव पर डिवाइड किया तो 17 और इनको तो 9। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर इनको लिख देंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/9। फिर क्या करेंगे, 9 को इसके साथ और 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इनसे आ जाएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। इनको फार्मूला किताबें खोलेंगे, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 17a स्क्वायर प्लस 17b स्क्वायर, इनसे माइनस 34ab। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 17a स्क्वायर, इनको लिख देंगे माइनस 34ab, फिर इनको लिख देंगे प्लस 17b स्क्वायर, फिर इनको इस साइड पर लाएंगे तो 9 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे और इनसे आ जाएगा 8a स्क्वायर, इनसे आता है 8a स्क्वायर, इसी तरह इनको अपनी जगह लिख देंगे, और इनसे आता है 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 17ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पर और इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इनसे 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4a स्क्वायर
माइनस 17 ए बी प्लस 4 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ माइनस 17 ए बी नहीं, इनको लिख देंगे माइनस 16 ए बी माइनस ए बी प्लस 4 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों से दोबारा माइनस 17 ए बी आता है, फिर इन दोनों से 4 ए को कामन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा ए माइनस 4 बी, इन दोनों से माइनस बी को कामन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा इनसे तो ए माइनस 4 बी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस 4 बी को, क्योंकि ये दो मरतबा आया है, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 4 ए माइनस बी को इज इक्वल टू ज़ीरो। यह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गया और दूसरा ये। पहला इक्वेशन है ए माइनस 4 बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा है 4 ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ ए आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4 बी, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और यहाँ बी आ जाएगा बी इज इक्वल टू 4 ए, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। फिर क्या करेंगे, यहाँ ए की जगह 4 बी को, इधर भी ए की जगह 4 बी को पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 बी प्लस बी, इधर ए स्क्वायर की जगह जाएगा 4 बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे आ जाएगा 5 बी इज इक्वल टू, यहाँ इनसे आ जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को पाई पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 1 5 5 17 85, यहाँ पाइप पाइप के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा बी, इनसे आ जाएगा 17 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 17। फिर इनके साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी क्यूब आ जाएगा, 17 बी क्यूब इज इक्वल टू 17। फिर दोनों साइड को 17 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, यहाँ 17 17 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 17 17 के साथ, यहाँ जाएगा बी पावर 3 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ पावर में 1 और 3 लिख देंगे, इधर भी पावर में 1 और 3 लिख देंगे, इधर भी पावर में 1 और 3 लिख देंगे तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पॉइंट करेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए इज इक्वल टू 4 बी, तो यहाँ बी किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 नहीं है, उनके लिए इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे और उसमें बी की जगह 4 ए को पुट करेंगे तो यहाँ बी की जगह किसको पुट करेंगे, 4 ए को, इधर पुट करेंगे और इधर भी, तो यहाँ ए प्लस बी की जगह 4 ए स्क्वायर को अपनी जगह लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। यहाँ आ जाएगा
इनसे 5a और a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 85। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को पाई पर डिवाइड करेंगे, इसको भी पाई पर और इसको भी पाई पर। ये पाई पाइप के साथ यहाँ 5 1 5 5 17 85। तो यहाँ जाएगा ए ब्रिकेट में इन दोनों से 17a² इज इक्वल टू 17। फिर ए को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 17a³ इज इक्वल टू 17। फिर दोनों साइड को 17 पर डिवाइड करेंगे, 17 के साथ 17 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा a³ इज इक्वल टू 1। फिर दोनों साइड के साथ पावर में 1 और 3 लिख देंगे इधर भी और इधर भी लिख देंगे, यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को ले लेंगे, वो किसके बराबर है, वो है b इज इक्वल टू 4a। तो a किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू आ गई 4, या हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई और b की भी दो वैल्यू आ गई, a की पहली वैल्यू आ गई 4, दूसरी 1। इसी तरह b की जो दो वैल्यू आ गई वो ये है, एक आई है 1, दूसरी आ गई 4। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।